उर्दू की बुक्स पढ़ती हैं या नहीं पढ़ लेती कोशिश हाँ की है यस yes, क्योंकि जब उर्दू का सब्जेक्ट है उसको और इनहेंस करने के लिए सिर्फ में उर्दू में जरा सी मेरी ऑलमोस्ट सारे इंग्लिश के सब्जेक्ट्स है इवन इस्लामियात भी अब इंग्लिश में हो गई है अच्छा तो इसलिए सिर्फ उर्दू ही एक सब्जेक्ट है जो उर्दू में है तो इसलिए शुक्र है तो इसलिए मैं उर्दू बुक्स पढ़ ही लेती हूँ ताकि वोकैबुलरी वोकेबलरीह हो जाए कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है आपका सबसे ज़्यादा जिसको कर पढ़ने में मजा आता है केमिस्ट्री फिजिक्स बायो 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 इंग्लिश आगे क्या प्लान है एक्टर एक्टिंग में ही कंटिन्यू करेंगी करियर या फिर कोई डॉक्टर बिजनेस वेमन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्योंकि अब वैसे मैंने इसके बारे में इतना सोचा नहीं है क्योंकि जब मैं कहीं से इंस्पायरेशन लेती हूँ तो मैं बस कहती हूँ वो बनना है फिर दूसरे दिन बाबा को देखती हूँ यूनिफॉर्म में जाते हुए नहीं मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है फिर तीसरे दिन मम्मी से बात करती हूँ नहीं मैंने डॉक्टर बनना है मैं हर दिन कुछ ना कुछ बनती रहती हूँ तो अभी ये पता चलेगा जब मैं ओ लेवल्स कर लूँगी इनशाला अच्छा अनुषा के फादर आर्मी में तो वो नहीं शौक होता था कि आर्मी में डॉक्टर बन के चले जाओ या एक वो होता है ना बाबा को आर्मी में देख के एक डिफरेंट मेरे फादर भी आर्मी में थे तो मुझे लगता है कि वो जो आर्मी की लाइफ होती है और आर्मी के जो बच्चे होते हैं ना उनका एक जज्बा डिफरेंट होता है जज्बा डिफरेंट होता है आई I मीन mean, मेरी मम्मी तो कहती हैं कि आपकी चॉइस है, है आपको जो भी करना है बस आप एक अच्छी लाइक अ गुड कैरेक्टर इन सोसाइटी तो मैं बहुत प्राउड आपको देख के, तो मेरा पर्सनली दिल है 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 कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं बाबा से बहुत मिलती है। और फिर मम्मी का वैसे मुझे पता है, वो बोलती नहीं है इतना डॉक्टर तो मैं यही सोच रही हूँ आर्मी डॉक्टर yeah. hmm, nice, <laughs> yes. <laughs> <कि, laughs> अच्छा मुझे बताएं कि एक्टिंग में कैसे आई क्या शौक था एक्टिंग का अब आप तो ख़ुद ही छोटी हो तो मैं ये भी नहीं कह सकती बचपन से बचपन जब इससे भी छोटी होती थी तब से शौक था ये कैसे आई आप में ओके um, okay. तो जब मैं छोटी थी जब मैं बहुत ज़्यादा लाइक फाइव सिक्स इयर्स की थी तो मैं टीवी में देखती थी छोटे छोटे बच्चे आए होते थे उस वक्त के मैं देखती थी कि मुझे भी इनकी जगह आना है मुझे मम्मी टीवी स्क्रीन पे आना है और फिर मुझे लगता है थोड़ा बहुत शौक होता था ये तो ऑलमोस्ट सबको ही होता होगा लेकिन मुझे भी शौक होता है अच्छा। तो और ऊपर से मैंने डिस्कवर करना था कि न्यू वॉक्स ऑफ लाइफ आपको डिस्कवर करनी चाहिए इस तरह आपको और एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं अब अपनी इस जर्नी पे मैंने बहुत सारे लोगों से मिली आपसे मिली इंटरव्यू का एक्सपीरियंस किया कि किस तरह होता है और लाइक like, मैं सोचती थी जैसे लाइट्स कैमरा एक्शन इस तरह करके होगा वो भी मैंने देख लिया कि किस तरह होता है सेट पर क्या माहौल होता है तो इस तरह मेरा शौक, शौक था शौक मतलब तो तो खेलते थे गुड़ियों से खेलते थे हम <laughs> आंटी आंटी खेलते थे के बच्चों की क्या गेम्स होती आप लोग ऐसे होती थी six, seven years की, वो मेहमान आए या, या कुछ खेलते क्या बनती थी सबसे ज्यादा मैं तो डॉक्टर ही बनती थी जब मैं छोटी थी तो बस मुझे डॉक्टर बनना है तो इसलिए डॉक्टर डॉक्टर बहुत खेले मैंने तो फिर एक्टिंग में पहले तो एड्स तो किस तरह हुआ क्या हुआ खुद गई अम्मी अबू अच्छा अम्मी अम्मी अबू ने बोला हुआ क्या है? कैसे पहुंची जी ये है कि मैं लाहौर से न्यू न्यू अभी कराची में पोस्टेड हुई थी ओके बाबा की बाबा की शिफ्टिंग हुई थी हाँ। तो अब मैं ऑब्वियसली कराची को डिस्कवर कर रही थी हाँ। अब मैं एक मैं मॉल में थी अच्छा। और एक अंकल थे वो उन्होंने मुझे अप्रोच किया उन्होंने कहा आप इतनी क्यूट हो तो आप एक्टिंग में क्यों नहीं जाती आप कमर्शल्स करो आप जैसे फेसेस चाहिए होते हैं तो मैंने कहा मुझे क्या पता मुझे किस तरह करना है आपने उधर भी अदा दिखा दिया जैसे थोड़ी भी करनी है तो मैंने मैं एकदम से एक्साइटेड होगी कि माय गॉड मुझे लगा था जैसे पता नहीं मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल गई और सही में तो मैंने कहा माय गॉड यस अगर आप दे दें कुछ तो उन्होंने मुझे एक नंबर दे दिया और उस पर जाके मैंने कॉन्टैक्ट किया

अब बाबा की बारी अब हम लोगों ने कहा कि डर लग रहा है बाबा को नहीं बताते बाबा को नहीं बताया हम लोग इंटरव्यू पे चले गए अब वहाँ पे हम लोगों ने सोचा अब बाबा को कैसे <laughs> तो <फस गए। laughs> बताना तो गए। गए। तो पड़ेगा तो मैंने देखा मैंने बाबा से कहा बाबा उस दिन ना मेरा टेस्ट हुआ था जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन मेरा स्कूल में टेस्ट था अब मैंने उसकी पूरी तैयारी की थी और फिर जब उसी दिन जिस दिन आया था कि आपको आ गया Uh, कि आपको ऐड मिल गया तो उसी दिन टेस्ट पेपर भी आ गया था अब मैंने कहा चलो इसके थ्रू कर लेते हैं मैंने कहा बाबा मैं इसी तरह रिजल्ट्स आपको दिखाऊंगी आप प्लीज मुझे करने दें देखें न्यू एक्सपीरियंसेस हैं बड़े बड़े एक्टर्स होंगे <laughs> <हुँ>, हु। <laughs> तो बाबा ने मुझे करने दिया बाबा okay. ने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है अगर आपकी एजुकेशन नहीं अफेक्ट होगी तो कर लो बाबा को लगा बस यही ऐड करना है नहीं फिर उसके बाद मुझे एक ड्रामा ऑफर हुआ उसके एक मंथ बाद किसी ने मुझे देखा था और मैं उसके सेट पर ऑडिशन के लिए गई थी okay. तो हमने कहा था हमने आपको इस ऐड में देखा था आप बहुत क्यूट लग रही थी तो हम लोगों ने सोचा कि आपसे ऑडिशन ले लें hmm. तो ऑडिशन किया और हमने वहीं से कह दिया अनुषय ये स्क्रिप्ट आप करें ओके और वो ड्रामा कौन सा था मास के ऑन हम के. Okay. पहला ड्रामा ओके okay. ओके okay, फिर तो अबू को आ, बाबा को आके बताया बाबा को आके बताया बाबा खुश हुए बहुत ज्यादा फर्स्ट टाइम पे तो प्राउड हुए होंगे ना प्राउड हुए होंगे ऑफ कोर्स सम터 ऑफ प्राइड के yeah. बेटी को मिलाए बट साथ ही कंसर्न होगा कि अच्छा मैं फंस गया <laughs> हूं ओके <laughs> okay, फिर क्या कहा बाबा ने फिर बाबा ने कहा चलो सही है शौक है

देखते हैं अम्मी अब दोनों क्या कहते हैं ज्यादा जा, क्रिटिकल कौन है अम्मी अबू में से मम्मी मम्मी माजल्ला इज माई बिगेस्ट क्रिटिक ओके वो तो अप्रिशिएट कर लेती है कि अच्छा <laughs> नू सही किया बस सही किया अच्छा। और नहीं उस तरह होना चाहिए था बाल इस तरह होने चाहिए थे जेस्टर इस तरह होना चाहिए था यहाँ और तुम कर सकती थी तुम और कर सकती थी अच्छा। और बाबा तो हर छोटा बिल्कुल एक झलक क्यों ना हो बाबा oh God, इतनी अच्छी, think, तुमने तो कमाल कर दिया और हक करते थे और इतना ज्यादा एक्साइटमेंट बाबा को सबसे ज्यादा होती है मुझे लगता है हम दोनों से ज्यादा बाबा को एक्साइटमेंट जितना वो पीछे बोलते हैं ज्यादा ही खुशी होते

फ्रेंड्स मेरी अप्रिशिएट करती हैं आई मीन क्या मजाक भी उड़ाती होंगी फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये तो फ्रेंड्स हैं है वो हाँ। तो मजाक भी उड़ाती होंगी जैसे अभी छलावा किया था हाँ। तो वो कहती हैं ओ भूतनी <laughs> और ऊपर से फन फन में चलते mm -hmm. रहते है तो वो कहती हैं अनुषा अपना ऑटोग्राफ दे दो uh -huh. ओ माय गॉड सेलिब्रिटी अपना ऑटोग्राफ ये सारा जोक्स जोक्स में चलता रहता है और कजन्स भी यही रिएक्शन देते